हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। दोस्तों, ये सही बात है कि 2014 में एक जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, जो चिंगारी है धर्म की, अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है जो हम सबके सीनों में जल रही है। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों, किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे, हम लोग उनके भारत की विकास की योजना के लिए और उनका जो मकसद है और उनकी जो योजना है, हम उसके लिए लड़ेंगे। आज के बाद मेरा, जैसे मैंने जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा था कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं भूल चुकी हूं कि मैं क्या हीरोइन थी या मैं कितनी बड़ी हीरोइन थी या मेरे आगे पीछे कितने लोग मेरी सेवाएं करते घूमते थे, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मेरे आज कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा एक ही अस्तित्व है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सब मैं हूँ और मैं आप सब हैं, हम लोग एक हैं, हम लोगों में कोई भी असमानता नहीं है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के लिए और इसी एक मकसद के लिए हम सब जुड़े हैं और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो तय हो गए हैं और हम लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, कांग्रेस का जो ग्रुप है, उन्होंने अभी तक प्रत्याशी भी बताया नहीं है, लेकिन उनकी कुनीतियां शुरू हो गई हैं, उनकी कपटी राजनीति शुरू हो गई है, शुरू हो गए हैं उनके अधर्मी काम। नवरात्रों में भी वो लोग चैन नहीं दे रहे हैं। अब जब कल मैंने उनको कुछ जवाब दिए तो विक्रम भैया जिन्हें हमेशा कहते हैं कि मैं उनकी बड़ी बहन हूं, चलिए आप भी मेरे छोटे भाई हैं, अब उनको मेरी बातें काफी बुरी लगी। वो मुझे कहते हैं कि मैं गऊ मांस खाती हूं, तो मैंने कहा कि आपके पास कुछ तो इसका प्रूफ होगा, प्रमाण होगा। तो वो कहते हैं छोड़ो, हमें क्या लेना देना, तुम क्या खाती हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, काम की बात करो। मैंने कहा अच्छा, तो काम की बात बताइए फिर, आपने किया क्या है अब तक? कहा था पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, वो तो लाए नहीं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, वो तो दिए नहीं। 6 लाख से ज्यादा जो है नौकरियां देंगे, वो तो हुई नहीं। फिर कहा था मेडिकल मोबाइल हॉस्पिटल घुमा करेंगे, फ्री इलाज कराएंगे, वो भी नहीं किया। फिर कहा कि जो हमारे जो फल उगाने वाले जो बागवान हैं, वो निर्धारित करेंगे कि क्या प्राइस में बेचेंगे, वो भी नहीं। और ना जाने ऐसे कितने झूठे वादे, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। शेम। और मैं उनसे काम की बात करती हूँ कि विक्रम भैया आप काम की बात करिए, क्या काम करवाए आपके आपने और कब आए? आप हमेशा कहते हैं कि ये हिमाचल की नहीं है। उन्होंने अपना पूरा ठेका लिया हुआ है, किसको वो बताएंगे हिमाचल का सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कई वंशों से जो है मेरा परिवार हिमाचल में रह रहा है। हमारा, मेरे पिताजी का क्रशर का बिजनेस है, बहुत ही उनका जाना माना एक नाम है। मेरे दादाजी भी विधायक रह चुके थे,
हमें कहते हैं हम तो हिमाचल के हैं ही नहीं, मुझे उन्होंने ये कर दिया है, और कहते हैं कि मेरे लिए अभद्र भाषा यूज की, ऐसी भाषा हिमाचल में कभी यूज ही नहीं हुई है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूं, क्या मुझे बताएंगे कि मैंने क्या अभद्र किया? अगर अपने छोटे भाई को कोई राजा बाबू कहता है तो क्या वो अभद्र है? या प्यार से राजा बेटा बोलता है तो क्या अभद्र है? अभद्र तो तब होता है जब आप अपनी बड़ी बहन को चरित्रहीन बोलते हैं, माया नगरी का जंजाल बोलते हैं, अपवित्र बोलते हैं, उसे अभद्र भाषा कहा जाता है।